मैं आप सभी लोगों को बिहार 24 लाइव, बिहार वाइज न्यूज़, बिहार लाइव ग्लोबल इस सभी चैनल के सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि नए वर्ष पर आप सभी लोग सभी बिहारवासियों को शुभकामना देते हुए और बिहार की मंगलमय कामना करती हूँ कि हमारा बिहार खूब बढ़े, उन्नत करे और आने वाले समय में 22 में हम और आगे छलांग लगाए विकास का, यही हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। बिहार 24 लाइव, बिहार वाइज न्यूज़ और लाइव ग्लोबल, सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ कि साल के अंतिम समय में आने का ये वर्ष अच्छा बीता। हमारे बिहार के लिए एक गौरव का विषय रहा कि आज जो अंतिम हमारे यहाँ सबसे अंतिम जो हम लोगों ने मंत्रिमंडल की बैठक की, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों की एजुकेशन के लिए जो टाटा ग्लोबल के साथ में आज हमारा एग्रीमेंट हुआ, जिसमें हमारे बच्चे बहुत आगे पढ़ के आगे बढ़ेंगे और नए वर्ष की सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बिहार 24 लाइव, बिहार वाइज न्यूज़, बिहार लाइव ग्लोबल इस सभी चैनल के सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि नए वर्ष पर आप सभी लोग सभी बिहारवासियों को शुभकामना देते हुए और बिहार की मंगलमय कामना करती हूँ कि हमारा बिहार खूब बढ़े, उन्नत करे और आने वाले समय में 22 में हम और आगे छलांग लगाएं विकास का, यही हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। नौ वर्ष की मंगलमय मैं सबको देती हूँ। देखिए, इस बार हमारी सरकार पिछली बार से बहुत ज़्यादा तैयार है। अभी आप देख रहे होंगे कि कोरोना अपना पैर फैला रहा है, तो मैं स्वास्थ्य विभाग को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने इतनी व्यवस्था की है कि कुछ भी हो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन मैं जनता से आग्रह करना चाहती हूँ कि वो जो हैं कोरोना का जो अनुपालन है, मुंह में मास्क लगाना और हमें दूरी बना के चलना, इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारे यहाँ ना ओमिक्रोन आएगा और ना हमारे यहाँ कोरोना आएगा। हम सब लोग मिलके 22 में भी हम सभी लोग कोरोना का नियम का हम पालन करें, यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने बिहार 24 लाइव को और बिहार वॉइस न्यूज़ को और उसके साथ लाइव ग्लोबल को, मैं सबको सहृदय आप सभी लोगों को भी हार्दिक शुभकामना।